जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विस्फोट होने से एक नागरिक जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर को बाजार में हुए इस धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और अन्य सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक सलाथिया चौक के पास ये धमाका हुआ है। अभी तक अगर बात करें तो जानकारी जो मिली है उसमें बताया जा रहा है कि धमाका एक सब्जी बेचने वाले की रेड़ी में हुआ था। उधर पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी एक संदेश में कहा है कि उधमपुर के तहसीलदार कार्यालय के पास रेड़ी के विस्फोट में 13 लोग घायल हुए हैं। आगे की जांच शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस विस्फोट के कारणों का पता लगाया जाएगा। और कितने घायल है इस वक्त लोग? ये जो जगह है इसका नाम है सलाथिया चौक और वेजिटेबल की रेडी पे जो ब्लास्ट हुआ है और कुछ लोग इसमें इंजर्ड हैं, उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। सर, ब्लास्ट की रिपोर्ट क्या कहती है, क्या लगता है, क्या हो सकता है? अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है, अभी हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा डिवाइस था, क्या था ये, बट ये है। सेकेंडली, मैं मौके पे पहुंचा हूं, सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे हैं मौके पे, क्योंकि जब मैं डीसी ऑफिस जा रहा था तो ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई थी, हम सीधा यहां पे ही आ गए, तो विद इन मैंने एक मिनट के अंदर अंदर हम यहां पे पहुंच गए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन। कितने लोग इसकी जो है चपेट में आए हैं? जो इंजर्ड हैं उनको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। अभी तक का जो है कि 1 से 2 लोग इंजर्ड हैं। सर, पुलिस की किस प्रकार से कार्रवाई रही, जैसे ही सुना है कि ब्लास्ट हुआ? जैसे जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट की आवाज़ मैंने भी सुनी है, मैं क्योंकि डीसी ऑफिस आ रहा था मीटिंग के लिए, तो हम इमीडिएटली यहाँ पे विद इन अ मिनट यहाँ पहुँच गए और जल्दी से हमने जो इंजर्ड थे, मेरा एसएचओ भी साथ में था, उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, किस तरह की इंजरी उनको हुई है? अब इंजरी जो बताना मेरे लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है। जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, जैसे फर्दर जो है रिपोर्ट्स आएंगी फिर बताएंगे। कितना बड़ा ब्लास्ट है? जैसा मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चल रही है। ब्लास्ट जो है कम से कम भी कोई 100 मीटर दूर से सुनाई दिया है, तो उसकी जो कितनी इंटेंसिटी थी, कितना उसका जो दायरा था, वो जो है इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। थैंक यू सर। मैं छोटू मुखोत्रा उधमपुर से। अभी हम जहाँ से निकल रहे थे तो बहुत जोर की आवाज़ आई एक ब्लास्ट की, तो जैसे मैं हमने स्कूटी साइड पर लगाई और देखा कि जहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ, आप देख सकते हो कि कैसे ग्रिल और जहाँ पे रेडी लगी थी फ्रूट की, और उनको भी लगी है, काफ़ी इंजर हुए हैं, उनको अस्पताल लेके गए हैं। तो अभी जो 10 मिनट पहले ही जैसा हुआ, हम यहीं थे, पास में ही थे, तो देखा तो काफ़ी जहाँ पे नुकसान हुआ है रेडी का, रेडी पूरी फट गई है और ग्रिल भी पूरी टूट गई है, आप देख सकते हो। कितने लोग घायल हुए हैं? 2-3 लोग कह रहे हैं कि इंजर हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल लेके गया है।